वेलकम टू टेली न्यूज़ 24। बाप दिल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब सिद्धि ने किया अक्का बाई और सरकार का सारा खेल खत्म, सारा प्लान फेल। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि सिद्धि शिवा को बिना बताए अक्का बाई के पास पहुँच जाती है। वो ये ठान लेती है कि वो सोनल को सरकार से बचा के रहेगी, जिसके बाद यहाँ पर सिद्धि अक्का बाई के पास जाकर उसे धमकी देती है कि वो सोनल को छोड़ दे, वरना शिवा की जो सीसीटीवी फुटेज है जिसकी वजह से उसने शिवा को गुलाम बना रखा है, वो सीसीटीवी फुटेज को पूरी रुद्रायत में दिखाएगी, जिसकी वजह से उसकी सत्ता हिल जाएगी, उसकी कुर्सी पूरी की पूरी हिल जाएगी। और सिद्धि की बात सुनकर अक्का बाई काफी ज्यादा डर जाती है, वो सोनल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पर सोनल तो घर पहुँच जाती है, लेकिन सोनल के साथ सिद्धि घर नहीं पहुँचती है, और ये देखकर शिवा काफी ज्यादा डर जाता है। शिवा सोनल से सिद्धि के बारे में पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर सिद्धि तो सोनल से मिली नहीं होती है, जिसके बाद यहाँ पर शिवा और जलवा सिद्धि को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, और वो आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अक्का बाई और उसके बेटे सरकार ने सिद्धि को मारने की तैयारी की होती है। यहाँ पर सरकार सिद्धि को मारने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर शिवा पहुँच जाता है। वो शिवा को देखकर सिद्धि को गन पॉइंट पर रखता है, लेकिन तभी यहाँ पर सिद्धि सरकार को धक्का देती है और वो गोली किसी और को नहीं बल्कि अक्का बाई को ही लगती है। यहाँ पर अक्का बाई को गोली लगती है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अक्का बाई पर गोली चलाने के इल्जाम में उसी के बेटे सरकार को वो गिरफ्तार करके ले जाती है, और यहाँ पर अक्का बाई का खेल खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि पूरी तरह से घायल हो जाती है। यहाँ पर सिद्धि बेहोश हो जाती है, और सिद्धि को बेहोश देखकर यहाँ पर शिवा काफी ज्यादा परेशान होता है। वो बेहोशी की हालत में सिद्धि को अपने दिल की बात भी बताता है। बाद अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है, कब यहाँ पर सिद्धि को होश आता है और कब यहाँ पर सिद्धि शिवा की बात का जवाब देती है। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सीर बाबा से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।